खबरें। सेक्स करते वक्त बालकनी से गिरकर दोनों की हुई मौत। इक्वाडोर में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट की बालकनी में सेक्स करते समय गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय महिला ने घर में एक स्थानक पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के लिए दोस्त आए थे। आधी रात को 28 वर्षीय महिला और उसका 35 वर्षीय प्रेमी सेक्स करने के लिए फ्लैट की बालकनी में गए थे। वे सेक्स करते हुए तीसरी मंजिल पर गिर गए। नीचे गिरने के बाद तेज आवाज के कारण नागरिक बाहर आ गए। दोनों को नग्न अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले दोनों की मौत हो गई थी। महिला को 8 साल की बच्ची है, जबकि उसका प्रेमी भी शादीशुदा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिवसेना ने 70 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। शिवसेना ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 70 उम्मीदवारों को पहली सूची तय कर दी है और यह सूची वायरल हो गई है। पहली सूची में आदित्य ठाकरे का नाम नौसेना के प्रमुख का नाम है। वह वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सूची में शिवसेना ने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो भाजपा की तरफ सामने आए हैं। जयंत सिरसागर को बीड से टिकट दिया गया है। हालांकि नाला सोपारा के एक मुठभेड़ विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा को नामांकित किया गया है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि भास्कर जाधव जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घेरने के बाद शिवसेना में प्रवेश किया है। तुमसर क्षेत्र के विधायक चरण वाघमारे को 5 अक्टूबर को मिलेगी जमानत। तुमसर क्षेत्र के विधायक चरण वाघमारे की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की गई। इसमें जिला न्यायालय की ओर से 5 अक्टूबर तक अस्थाई जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को फिरियादी PSI रजनी तुमसरी द्वारा न्यायालय में जमानत अर्जी नामंजूर करवाने के वकील खड़ा किया गया था। वही दूसरी ओर विधायक चरण वाघमारे के वकील ने भी अपने पक्षकार की बाजू रखते हुए जमानत अर्जी मंजूर करने की सिफारिश की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद न्यायाधीश खुने ने अस्थायी रूप से जमानत अर्जी मंजूर की है। टिकट को लेकर संभ्रम। भाजपा द्वारा जारी की 125 लोगों की सूची में भंडारा जिले के किसी भी प्रत्याशी का नाम की घोषणा नहीं की गई है। तिरुड़ा मुंडी कोटा में एक ही डॉक्टर के भरोसे अस्पताल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडी कोटा एकमात्र वैद्यकीय अधिकारी के भरोसे अस्पताल चल रहा है। यहाँ की आबादी लगभग 4000 है। लगभग 8 से 10 ग्राम के लोग भी अपने उपचार के लिए ग्राम मुंडी कोटा में आते हैं, किंतु मरीजों की जांच के लिए एक ही डॉक्टर होने से मरीज व उनके रिश्तेदारों को अपना नंबर लगाने के लिए घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र में दवाई भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते गरीब मरीज कई बार महंगे दाम से बाहर की दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। भगवान भरोसे मरीजों का है हाल। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए और MNS लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम में भी आप खबरें देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ।